नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। डीएवी कॉलेज की श्वेता ने जीता उदयपुर में सिल्वर मेडल, 104 यूनिवर्सिटी के बीच हुआ था मैच। अजमेर डीएवी कॉलेज की प्रथम ईयर की छात्रा श्वेता ने उदयपुर में हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अजमेर का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में 104 यूनिवर्सिटीज की 577 लड़कियों ने भाग लिया था। श्वेता ने जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया और आगे राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की बात कही। कराया जाएगा इसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल, जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो मिलता है वो दिया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में ये राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना नाम गौरवान्वित करें, क्योंकि बहुत बढ़िया बच्ची है, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसके माँ बाप जिस तरीके से इसके ऊपर फोकस करे हुए हैं और जो बच्ची का लक्ष्य है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इंडिया में गोल्ड मेडल जीतने से कोई रोक सके। और अभी इसको नेशनल चैम्पियनशिपों में भी आगे मौका मिलेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के लिए भी गोल्ड जीतेगी। नाम डॉक्टर असगर अली, खेल अधिकारी, दयानंद महाविद्यालय। मेडल लगा आपके? मेरा सिल्वर मेडल लगा है। कहाँ पे था ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट उदयपुर में था, जनार्दन राय कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। कौन से कॉलेज से आप? मैं डीएवी दयानंद कॉलेज से हूँ। कितने साल हुआ आपको बॉक्सिंग करते हुए? मुझे अभी 1.5 साल हुआ बॉक्सिंग करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा इसके अंदर? नेक्स्ट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिल्वर की जगह गोल्ड लेकर आऊँ। कितनी टीमें आई थी वहाँ पर? टोटल वहाँ पे 106 यूनिवर्सिटीज़ आई थी और लड़कियाँ टोटल उनमें 574 लड़कियाँ थी और मेरी वेट में 40 लड़कियाँ थी, जिसमें मुझे 5 बाउट्स का सामना करना पड़ा। 5 बाउट खेलनी पड़ी मुझे अपना सिल्वर मेडल लेने के लिए। किस तरह का अनुभव था? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत टेक्निक्स पता चली, किस तरह से हमें खेलना चाहिए, किस तरह से नहीं खेलना चाहिए, हर चीज़ का अनुभव हुआ। आगे मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बहुत अच्छे लेवल में खेलूं। मेरा सपना, अपना जो मेरा सपना है उसको मैं साकार करूं और अपने पेरेंट्स को भी अच्छा नाम दूं। इसका किसको से जाता है इस इसका कॉलेज वालों को भी जाता है, मेरे कोच को भी जाता है। मेरे कोच का नाम है विशाल निर्माण सर और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्वेता। बॉक्सिंग में गई तो क्या लगता था आपको, बॉक्सिंग से दांत टूट जाएंगे बल्टी के? हाँ सर, डर तो लगता था, पर ये इसका एम खुद ही बना जब से ये कॉलेज आई, तो ये अपने आप ही इतना मतलब आगे, जैसे भी इसको लगता था कि मुझे खेलना है, इसका शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि मुझे गेम में जाना था। ये हर मतलब हमें ऐसे ही बोलती थी अपने पापा को मुझे, कि मुझे गेम में डाल दो, मुझे मतलब ये ऐसा स्कूल मिलना चाहिए कि मैं गेम जा। डॉक्टर नरेश गोस्वामी के घर में लगे क्रिसमस के पेड़ की जड़ों में प्रकट हुए गणपति बप्पा। डॉक्टर गोस्वामी ने घर पर स्थापना कर करवाया कीर्तन। जहाँ पर आस्था है वहाँ पर भगवान है, एक ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया अजमेर निवासी डॉक्टर नरेश गोस्वामी के घर में। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया वे बहुत साल पहले क्रिसमस ट्री लेकर आए थे, जिसे उन्होंने जमीन में लगवाया था। कुछ समय बाद फर्श बनवाना था और उसे हटा दिया गया था, लेकिन उसकी जड़ें तब भी जमीन में थी। कुछ दिन पहले जब डॉक्टर गोस्वामी अपनी कार को निकाल रहे थे तो उनका फर्श धस गया और वो जड़ें ऊपर आ गई। डॉक्टर गोस्वामी ने जब जड़ों को साफ किया तो उन्हें उस जड़ों में भगवान गणेश की झलक दिखी। डॉक्टर गोस्वामी ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी और उसके बाद जड़ों को जो भगवान गणेश की तरह दिखती है उन्हें घर में स्थापना करी। इसके बाद भजन कीर्तन भी करवाया। तरीके से आए, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आए? ये मैं 1998 में लोहा खान में रहता था, जब मैंने कमल नर्सरी से एक क्रिसमस ट्री का पौधा लिया था, तो वो ट्री का पौधा बढ़ता गया, मेरे के 3-4-5 गमले फोड़ दिए उसने। उसके बाद मैं निजी मकान मेरा बना लिया है पंसिल में, तो यहाँ कई दिन गमलों में रहा। गमलों में वो क्रिसमस ट्री के गमले फूटते गए, तो फिर एक दिन मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने क्या करा, जमीन में पौधा काट। उसके बाद मैं 2018 में पेड़ कटवा दिया था मैंने, पेड़ कटवा दिया और उसकी जड़ें अंदर ही रही। एक दिन मेरे क्या हुआ, मैं कार निकाल रहा था तो फर्श बैठ गई, तो मैंने ठेकेदार प्रहलाद को बुलाया और उससे कहा कि भाई इस फर्श को बढ़ा दे। नहीं तो उसने कहा साहब ये पूरी की पूरी फर्श बढ़ा दूँ जिससे ढाल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसने ढाल बनाया और ये करा, तो वो जड़ें निकली, तो बहुत सी जड़ें तो वो ले गया खुद। उसके बाद एक जड़ मैंने हमारे गार्डन में रख दी,
अभी 5-7 दिन पहले मैंने उस जड़ को साफ करा तो मेरे को उसमें गणेश जी प्रकट दिखे और गणेश जी प्रकट हुए, मैंने उनकी स्थापना करी घर पे और 2 तारीख को कीर्तन कराए और ये गणेश जी काफ़ी कुछ मंडली भी आई थी। हाँ, खूब 60-70 आदमी आए थे और सबों को पता था और सबों ने बहुत बढ़िया कीर्तन चले 2 बजे से लेके 5:30। विद्युत कंपनी जो हमारी 5 हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें हर कैटेगरी की के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें अभी हमारा CA सेकंड के अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू की है जो उन्होंने पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चालू की थी और जो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से है उसी के अनुसार आज हम हमारे यहाँ काउंसलिंग से आज हमने CA सेकंड की अपॉइंटमेंट शुरू किए हैं। 52 के आसपास हम कर चुके हैं और अभी जो है इस समय हमारे फिजिकल हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और गूगल ड्राइव के ऊपर हमने पूरा प्रोसेस को ले रखा है। अभी मैंने वहाँ पर मौके पर मैं गया था, सारे के सारे कैंडिडेट इससे बहुत खुश हैं और उनका ये मानना है कि इससे न किसी को कोई कंप्लेंट होगी और जिसको भी जो मौका मिलेगा उसकी मेरिट के आधार पर उसके अनुसार उसको अपनी चॉइस की पोस्टिंग लेने का अधिकार होगा और ये बहुत ही तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। सर, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो इस आएंगे? अभी अपॉइंटमेंट्स हम 544 CA सेकंड का कर रहे हैं, ये सब काउंसलिंग से होंगी। जैसे मान लो 544 हैं तो 544 पोस्ट हमने डिस्प्ले कर दी और जो फर्स्ट जो जिसकी मेरिट है उसको 544 में से चूज करने का मौका मिलेगा। इसी तरह सेकंड जो मेरिट वाला उसको 543 में से मिलेगा चूज करने का। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। सर, ये कितने दिन की प्रक्रिया? ये हम 3 दिन में पूरी करेंगे। राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वही हुआ जो पिछली सरकार के साथ हुआ का कंप्यूटर कर्मचारियों ने आज कलेक्टर को दिया 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन। राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने आज कलेक्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया जिसमें कर्मचारी सरकार से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। मुख्य मांग है ग्रेड पे बढ़ाया जाए जिसमें सूचना सहायक की 36 और सहायक प्रोग्रामर की 42 की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर कंप्यूटर कर्मचारी ने आगामी चुनाव के लिए राज्य सरकार को चेताया भी है। आज राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ जिला इकाई अजमेर की ओर से अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी 10 से व्याप्त ग्रेड पे बढ़ाने की मांग जिसमें सूचना सहायक के लिए 3600 और सहायक प्रोग्रामर के लिए 4200 की मांग है जो हमारी बहुत सालों से मांग चली आ रही है जिसके लिए हमने पिछले सरकार के कार्यकाल में भी आंदोलन किया था और लगभग 11 दिन की हमने हड़ताल करी थी। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ था जिसके बाद हमने कर्मचारी के जितने भी वोट थे वो उस सरकार को नहीं मिले थे और सरकार का तख्ता ही पलट दिया था। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो इनके साथ भी वही असर होगा जो पिछली सरकार के साथ हुआ था। लोकसभा चुनाव ध्यान पास में है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमारी मांगों की ओर उचित नज़र से देखे। आज किससे मिले? कलेक्टर साहब अजमेर से। क्या मांगे अभी? 7 सूत्रीय मांगे हमारी जिसमें IA की ग्रेड पे 3600, असिस्टेंट प्रोग्रामर की 4200, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, प्रोग्रामर और ACP की भर्ती में हमारा कोटा डिसाइड किया जाए, हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले, ये हमारी मांगे हैं। नाम बताइए आपका। राजेश गुजर, प्रेसिडेंट IT यूनियन अजमेर। केसरगंज में दिगंबर जैन के तत्वावधान में निशुल्क काढ़ा वितरित, बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया इस काढ़े का लाभ। 35 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनाया गया है काढ़ा। केसरगंज में दिगंबर जैन के तत्वावधान में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए निःशुल्क काढ़ा वितरित किया गया। इस काढ़े का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इसे 35 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा बनाया गया है। इस काढ़े का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिगंबर जैन समाज में यहाँ स्वाइन फ्लू और काढ़े से बचाव, बीमारी से बचाव का काढ़ा निःशुल्क पिलाया जा रहा है। ये काढ़ा
35 दवाई जड़ी बूटियों से निर्मित किया गया है और हर तरह की बीमारी में सर्दी जुकाम में खांसी में इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। इसे पीने से डेंगू की संभावना और चिकनगुनिया की संभावनाएँ खत्म होती है। ठीक है आपका मैं डॉक्टर रतन स्वरूप जैन आयोजक प्रधान में वैद्य द्वारा 35 जड़ी बूटियों से इस काढ़े का निर्माण किया गया है। इस काढ़े का मुख्य उद्देश्य है डेंगू स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। केशागंज मैच मिश्रण के सामने इस काढ़े को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है जिसमें डॉक्टर रतन स्वरूप जी, मनोज जी, विमल जी उनके सहयोग से इस काढ़े का राजकुमार जी साहबजाद इनके सहयोग से ये काढ़े का वितरण किया जाए। सकल दिगंबर जायसवाल जैन समाज केशागंज इस काढ़े का वितरण कर रही है। आज का हमारा उद्देश्य 10,000 लोगों को इस काढ़े का वितरण किया जाए और कल संसाधन नाका मठा स्थित काढ़ा पिलाया जाएगा। वहाँ 5,000 लोगों को काढ़े वितरण की व्यवस्था हमारी। अजमेर में डिवाइडर से भिड़ी कार और उड़ गई हवा में, नहीं हुई कोई जनहानि। गाड़ी में बैठा परिवार कार से निकला सही सलामत। कल रात वैश्य नगर में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। LIC कॉलोनी के थोड़ा सा आगे डिवाइडर पर एक कार भिड़ी और काफी ऊंचाई तक उछल गई। दृश्य देखने वाले लोग एकदम से बहुचक्के हो गए। हादसे के बाद वहां पर भीड़ जमा हो गई और कार में बैठे बच्चे और पति पत्नी समेत ड्राइवर को बाहर निकाला। सूत्रों के मुताबिक इसी कार से एक और टक्कर होना बताया जा रहा है। हालांकि किसी को भी कोई खरोंच भी नहीं आई है लेकिन गाड़ी की काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को हटाया और यातायात सुचारू। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुर्जर फॉर्म में। हेलमेट नहीं पहनने वालों के काटे चालान और हेलमेट पहने हुए लोगों को दिए गुलाब के फूल। कल से प्रदेश भर में 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। पूरे सप्ताह लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के तहत आज गांधी भवन पर ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुर्जर द्वारा जिसने हेलमेट पहन रखा था उन्हें गुलाब के फूल दिए गए और जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनका चालान काटा गया। इसके अलावा जो मुंह पर कपड़ा बांध कर गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत जो नियम फॉलो कर रहे हैं उनसे रोज चेकअप और संबोधित किया जा रहा है और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको समझाइश की जा रही है ताकि वो भविष्य में सारे रूल्स फॉलो करें और जिससे एक्सीडेंट्स की संभावना कम से कम। राजीव शर्मा जिला परिवहन आज ये प्रोग्राम रखा गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत। इसके तहत कल तो हमने समझाइश की गई थी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे हेलमेट पहनाने की। आज जिन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं उनको फ्लावर्स दे करके उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि आप इसी तरह से आगे भी भविष्य में हेलमेट पहने और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सीट बेल्ट भी लगाएं और जिन्होंने नहीं लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैडम ये मुंह पे कपड़ा बांध के भी गलत है, उनको भी समझाइश के दौरान इनको हटाया जा रहा है और मना किया जा रहा है कि मुंह पे कपड़ा बांधे नहीं, कपड़े की जगह हेलमेट पहने। मैडम इसकी बातें करते तो ट्रैफिक वालों को भी वसूली से बात की जाती है, लोगों ऐसे ऐसे बातें करते हैं इनके साथ। अभी डिक्की चौक पे भी एक घटना हुई थी धर्मपाल जी के साथ, लुट का चालान काट रहे थे वो, उनके साथ भी कोई वसूली की बातें की गई है, ये सही है गलत है मैडम? ये बिल्कुल गलत है। ट्रैफिक विभाग है या वो एक रूल के तहत काम कर रहा है, कोई प्रश्न किसी को हिट नहीं करता है, तो जो ये विवाद का विषय बनते हैं मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को एक नॉर्मल लें। आपने अगर गलती की है तो उसके लिए हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके तहत कर रहे हैं और ये अगर इस तरह से कोई बदतमीजी करता है या विवाद करता है तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com सच के साथ।